हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये जो लेक्चर है वो आरएनएच एकेडमी जहां मैं पढ़ाता हूं, इसके अलावा और भी लोग जो क्लास 5 से बिलोंग करते हैं, जो भी बच्चे, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और इस तरह की वीडियोस मैंने फैसला किया है कि पूरे लॉकडाउन में चलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको भी इस वीडियो से फायदा हो, उस लेवल के जो भी बच्चे हो, वो देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाना ओ लेवल, ए लेवल, बीसीए, एमसीए, इन सारे क्लासेस के क्लास मैं लेता रहता हूं। तो क्लास 5 के पहले चैप्टर की पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं कि किस तरह से इंडेक्स आपका है, कौन-कौन से चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे पहला जो चैप्टर है वो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स है, यानी कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक सा जो कि विकास हुआ था, कंप्यूटर कैसे विकसित किया गया था, कैसे बनाया गया था, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें यूजिंग द कंट्रोल पैनल पढ़ना है। तो पहले डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला पेज है, मैं इसे ओपन करता हूं, जो इसका पहला पेज है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का। तो यहां पे देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आ चुका है। और यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ लुक ऑन वेरी फर्स्ट कंप्यूटर, एंड द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर नेम इज अबेकस। यू सी द कंप्यूटर्स यू सी टुडे were not like this in the early stages। अगर आप आजकल के कंप्यूटर्स की बात करें तो वो कैसे दिखते हैं, ये सीपीयू आप देख सकते हैं और ये माउस है, ठीक है, और ये टच पैड है। लैपटॉप की बात करें तो ये टच पैड है। तो इस तरह के कुछ कंप्यूटर हमें दिखाई पड़ेंगे। इसमें हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करा सकते थे, ठीक है, और ये ऐसी दिखती थी। मैं इसको थोड़ा और भी जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो कंप्यूटर है उसे अबेकस कहा जाता था, ठीक है। इजिप्शियन यानी मिस्र देश के लोगों ने इसे डेवलप किया था और इसे यूज किया था पहली बार चाइना के लोगों ने। 5000 साल पहले इसे बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की फ्रेम इसमें लगाई गई थी। बिट्स आर मेड अप ऑफ आयरन, ओके। और अपर साइड में जो ये लगे हुए हैं, इसे हेवन कहा जाता था और लोअर पार्ट को अर्थ कहा जाता था। यानी कि अपर साइड वाला पार्ट, ये जो छल्ले लगे हुए हैं, इसे हम हेवन के नाम से जानते थे और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते थे, इसे हम अर्थ बोलते थे, ठीक है। इट इज यूज टू काउंट, अब जैसा कि मैंने बताया कि ईशन के लिए यूज होता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड पेज पर, जो हमारा सेकंड पेज है उसमें। इसके बाद जो आया नेपियर बोन आया, नेपियर बोन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता था। मैं जूम व्यू पे लेके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड नेपियर बोन। इस तरह से ये दिखाई पड़ता था और कैसे यूज किया जाता था इसको, देखिए इसमें लिखा हुआ है नेपियर्स बोन वॉज इन्वेंटेड इन 1617, यानी 1617 में ये जॉन नेपियर द्वारा बनाई गई थी। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इट वॉज मेड अप ऑफ रॉड्स With numbers printed on them, इसमें कुछ नंबर प्रिंटेड होते थे, इसे हम क्या कहते थे, नेपियर बोन कहते थे। पास्कलिन, पास्कल द्वारा बनाया गया था। पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाई ब्लेज पास्कल इन 1642 में इसे ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। इट हैड गियर्स, इसमें गियर लगे होते थे। रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ डिजिट्स, इसमें हम डिजिट्स के पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए गियर का यूज करते थे। और ये भी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, ठीक है। लेकिन एक खासियत इसमें थी जो कि नेपियर बोन और अबेकस में नहीं थी, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबिज ने किया था, जैसा कि आप जानते हैं। चार्ल्स बेबिज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबिज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था और कब किया था, 1833 में। तो ये थे चार्ल्स बेबिज, ठीक है। और इन्होंने, इट वाज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर, और एनालिटिक इंजन से ही जो है पहला कंप्यूटर का जो है तरीका मिला कि इस तरह से ये डेवलप किया जाए। चलिए, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। इंग्लिश मैथमेटिशियन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, चार्ल्स बेबिज ने इसे बनाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्क वन की। मार्क वन वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिन इन 1941 में इन्वेंट किया गया था इसे, और हॉवर्ड एकिन नाम था इनका, इन्होंने इन्वेंट किया था इसे। इसे जूम करके मैं दिखा देता हूं।
यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है वो कंप्यूटर है, देख सकते हैं कैसे दिखाई पड़ रहा है, ये काफी भारी भरकम कंप्यूटर है, पूरे एक रूम का स्पेस ले रहा है ये सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आया ENIAC। ENIAC इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये पहला दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर, ये पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। इट कुड स्टोर डाटा एंड डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये डाटा को स्टोर कर सकता था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था। इट वॉज इन बिग साइज एंड यूज अ लॉट इलेक्ट्रिसिटी, काफी ज्यादा बिजली की खर्च होती थी, सब कोई इसे नहीं यूज कर सकता था। इवन बहुत सारी जगहों पे तो ये था ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है। चलिए अब हम एडवेक की बात करते हैं। एडवेक भी एक कंप्यूटर था, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता था ये आप देख लें एक बार, एडवेक कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता था ये, और ये भी जॉन वी मैकॉले और न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था 1949 में। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम being stored in the computer along with its data, कह रहा है it was based on the concept of program, ये program के based पे चलता था, being stored in computer along with its data, यानी कि जो भी data हम देते थे वो computer में store हो जाता था as a program। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNIVAC, जिसका कि पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी होता है, इसको बनाने वाले जो थे वो भी जॉन प्रेस्परेकॉट और जॉन वी मैकॉले थे, और इन्होंने UNIVAC बनाया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का पूरा नाम होता था। इट वाज फास्टर देन ऑल प्रीवियस कंप्यूटर्स, जो अभी आपने पहले स्टडी किए उन सारे कंप्यूटर्स से ज्यादा फास्ट काम करता था, मींस इट वाज फास्टर, ओके। इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर, इसे कॉमर्शियल तौर पे यानी कि बिजनेस में, बैंकों में, जो भी इस तरह की चीजें थी उसमें ये यूज किए जाते थे, ठीक है। और यहां से मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट चालू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एपीसी कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम, एपीसी कंप्यूटर एक डिजाइन किया गया था, एपीसी कंप्यूटर को एक बार में एक ही आदमी चला सकता था, और इसे डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी थी, इसने डेवलप किया था और इसने इसको रिलीज भी किया था। रिलीज द फर्स्ट मॉडल IBM PC इन अगस्त 1981 परपजेस लाइक प्लेइंग गेम्स, इसको गेम प्ले करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, डेटा का एक्सचेंज करने के लिए, ईमेल का एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जा सकता था, इंटरनेट भी इसमें चल सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप पीसी जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, उसे हम डेस्कटॉप पीसी के नाम से जानते हैं, और यही जो है हम लोग यूज करते हैं आजकल, ठीक है। कह रहा है इन अ डेस्कटॉप पीसी द कंप्लीट यूनिट मॉनिटर सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन अ डेस्क, देखिए यहां पे एक डेस्क पे इसे रखा गया है, ये देख सकते हैं आप, यहां पे ये मॉनिटर है, यहां पे ये कीबोर्ड रखा हुआ है, ये स्पीकर है, और यहां पे ये CPU है, और यहां पे ये माउस रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते थे, डेस्कटॉप बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टेबल पीसी का, तो पोर्टेबल पीसी क्या होती है, पोर्टेबल पीसी आर डिजाइन टू इजिली कैरी अलॉन्ग इन अ ब्रीफकेस, आपने लैपटॉप का नाम सुना होगा, कुछ इस तरह के भी कंप्यूटर्स आते थे, ठीक है, आज भी आते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप्स या पाम टॉप का नाम आपने नहीं सुना होगा, हाथ में आ जाता है वो, आप इजिली उसको हाथ पे भी रख सकते हो, ठीक है। या आपने नाम सुना होगा टेबलेट्स का, तो टेबलेट्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो आइए अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। हम इसका ही नाम दिया वाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह के मोबाइल शायद आपके भी घर में यूज होते रहे हो, तो इन्हें हम टेबलेट्स के नाम से जानते थे, ठीक है। कुछ सालों पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब ये काफी पॉपुलर हो गए और इस तरह से ये टेबलेट यूज किया जाने लगा, ठीक है। A tablet is one piece of mobile computer mainly operated by touch screen. अब इसमें टच स्क्रीन होता था, अब आप बताइए मुझे टच स्क्रीन विच काइंड ऑफ डिवाइस इज टच स्क्रीन, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा कि टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं आप इन साइड द सिस्टम यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके भी पहले यहां लिखा हुआ लेटेस्ट ट्रेन, कह रहा है एन ऑनटेरियो बेस्ड कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ सोलर पावर्ड लैपटॉप,
यानी कि जो सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाला लैपटॉप था वैसा लैपटॉप बनाया गया था, बाईपास द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ना हो इसके लिए एक अलग से साइड से रास्ता निकाला गया और सोलर से ही चलने वाला सिस्टम बनाया गया, वो इस तरह से कुछ दिखता था। इसमें लिखा हुआ दिस प्रोडक्ट विल बी वेरी यूजफुल इन रूरल और अनडेवलप्ड एरियाज, गांव देहात के एरिया में ये काफी ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ही ज्यादा रिलायबल नहीं थी तो ये चली गई। चलिए इनसाइड द सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इनपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट क्या होता है और आउटपुट यूनिट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कीबोर्ड है तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्यों इनपुट डिवाइस होती है? क्योंकि हम इससे इनपुट देने का काम करते हैं। जो हम लिखते हैं वो कहां दिखता है? वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। तो मॉनिटर स्क्रीन इज अ काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। इनपुट क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, दीज आर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, आपने बारकोड रीडर भी देखा ही होगा। आप शॉपिंग मॉल पे जाते रहे होंगे तो वहां पर जब आप बिलिंग करवाने जाते होंगे तो एक डिवाइस, वो जो सेलर, जो भी सेल्समैन होता है, वो डिवाइस एक लिए होता है, उससे वो बारकोड को स्कैन करता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर है। यहां पर लिखा हुआ है कोर i7, यानी कि i7 कोर प्रोसेसर है ये, और इस कंपनी का नाम क्या है? इंटेल है। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर जितना अच्छा होगा आपका सिस्टम उतना अच्छा रन करेगा, उतना तेजी से चलेगा। तो प्रोसेसर का भी काफी अहम रोल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेनेवर यू प्रेस अ की, क्लिक द माउस और स्टार्ट इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू। हमें देखिए, जब कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे पंच कार्ड, और पंच कार्ड से डेटा फीड करना एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। एक डेटा फीड करने के लिए एक लोग लगे होते थे तो उन्हें हम पंच कार्ड बोलते थे। लेकिन कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद, माउस का कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद, हम बहुत ही आसानी के साथ डेटा एंटर कर पाते थे, क्लिक कर पाते थे कहीं भी। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीपीयू। ठीक है, और सीपीयू में क्या लगा होता था? प्रोसेसर लगा होता था, जिससे कंप्यूटर कितना तेज काम करेगा ये उस पर डिपेंड होता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, अभी आजकल हम लोग ड्यूअल कोर, i3 कोर और i5 कोर भी इस्तेमाल करते हैं। i7 कोर तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन i5 कोर बहुत ही ज्यादा तेज कंप्यूटर्स होते हैं, थोड़े महंगे आते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU का जो फुल फॉर्म होता है, ALU इज नोन एज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ALU आर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित जो भी काम होता है वो सारे कौन करता है? ALU ही करता है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, मेनी ऑपरेशंस आर प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर एंड कंट्रोल्ड बाय CU, मींस कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU? CU मींस कंट्रोल यूनिट। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, मदरबोर्ड का फिगर बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं इसको, ये मदरबोर्ड है। ठीक है, द मदरबोर्ड इज मेन सर्किट बोर्ड। इसके बिना कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। ये कंप्यूटर का एक तरह से समझिए, मदरबोर्ड का मतलब ही क्या हो गया। ठीक है, तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ इन अ कंप्यूटर। इट हाउसेज अ वेराइटी ऑफ माइक्रोचिप्स। इसमें बहुत सारे माइक्रोचिप्स लगे होते हैं, सॉकेट्स, ये सॉकेट्स लगी होती हैं। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगे होते हैं। ठीक है, माइक्रोचिप्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। इट प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट इन कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और इसका जो रोल है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे द मदरबोर्ड कैन इजिली बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन बॉडी एज नर्वस सिस्टम। जैसा कि मनुष्य के शरीर में नर्वस सिस्टम का काम होता है, वैसे ही कंप्यूटर में मदरबोर्ड का काम होता है। चलिए मेमोरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है, फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी कंटेन रैम एंड रोम। रैम इज द फुल नेम ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी एंड इट इज टेम्पररी मेमोरी। ओके, सो रैम इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी एंड रोम इज काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स टू से नथिंग कैन बी रिटन ऑन इट। ओके, सो दिस इज रोम। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारा नंबर मैंने दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, रैम और रोम। अब एक चीज और जान लेते हैं इसमें रैम के बारे में कि रैम में कोई भी डेटा परमानेंट नहीं होता है, देयर इज नो परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा इन रैम। ओके, सो रैम इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी एंड रोम इज अ काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी। आई थिंक की बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई जाने के साथ साथ रैम में रखा डेटा चला जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके चेक पॉइंट दिया हुआ है, राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी मैं बता देता हूं। देखिए सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का पूरा नाम होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये आपको कॉपी पे करके हमें दिखाना है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी। अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आप इसको कॉपी पे करके हमें दिखाएंगे। आई होप कि आप सभी के पास बुक्स होंगी। सीडीआर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट मत पढ़िएगा, रिकॉर्डेबल, ठीक है, और ये रिकॉर्डेबल है और ये रीराइटेबल है, ठीक है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। मेजरिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, सपोज टू बी अ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इज कॉल्ड बिट। और बिट क्या होती है, बिट दो टाइप की होती है, या तो जीरो या तो वन, तो इसमें ऑन और ऑफ चलता है, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप, कि जीरो एंड जीरो इज ऑफ, जीरो ऑफ होता है और वन ऑन होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दो ही बिट होती है, बिट का मतलब बिट में दो ही डिजिट आती है, जीरो और वन। तो जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ होता है और वन ऑन होता है, ठीक है। आपने पहले के एंटीनाज वाले टीवी वगैरह देखी होंगी, उसमें जीरो जो है ऑफ का सिंबल है, यानी कि जो ब्लैक डॉट बनते हैं वो जीरो और व्हाइट डॉट जो बनती है वो वन, कुछ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी डिजिट्स यहाँ पे आ गया है, तो वो उसी चीज की बात कर रहा है ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए इसके बाद बिट के बाद आता है बाइट, तो एक बाइट में आठ बिट होते हैं, एट बिट होते हैं, ठीक है। और किलोबाइट क्या आती है, तो वन किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए 1024 बिट्स, 24 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं आप। यहां पे देख सकते हैं कुछ इसमें कैपेसिटीज दी हुई है कॉमन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और यहां पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बता देता हूं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस थी, विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ रॉड्स, तो रॉड्स वगैरह जो लगे होते थे वो किसमें लगे होते थे, कैपेसिटीज दी हुई है कॉमन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और यहां पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बता देता हूं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस थी, विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ रॉड्स, तो रॉड्स वगैरह जो लगे होते थे वो किसमें लगे होते थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेपियर बोन जो है उसमें यूज हुआ करते थे रॉड्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब नेपियर बोन में क्या यूज होता था, रॉड यूज होता था। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर वाज, ये कौन सा कंप्यूटर था जो पहला सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर था हमारा, उसका नाम था, यूनिवैक नाम था इसका, जो पहला हमारा सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, यूनिवैक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं इस पे यूनिवैक आप टिक कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर वाज यूनिवैक फर्स्ट, विच डिवाइस हैड गियर्स, अब गियर्स किसमें लगे होते थे, तो जाहिर सी बात है पास्कलिन में गियर लगे होते थे, तो आप पास्कलिन पर टिक कर लीजिएगा। विच
डिवाइस डिड चार्ल्स बेबेज 1833, तो 1833 में एनालिटिक इंजन को इन्होंने खोजा था। अब यहाँ पर ट्रू फास्ट दिए हुए हैं, एबेकस वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो ये ट्रू है। यूनिवैक को डेवलप किया गया था 1951 में, तो फास्ट दिए हुए हैं, तो इसको आप हमें अपने जो है इससे करके दिखाइएगा ट्रू फास्ट, मैं देखूंगा कि कितने लोगों का सही है, इसको आप मुझे करके भेजिएगा, यही आपका होमवर्क है। और इस पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ ईयर दिया हुआ है कि नेपियर बोन कब इन्वेंटेड किया गया था, तो ये सब आपको करना है खुद से। यहाँ पर देख सकते हैं 1024 GB मेक्स 1 TB, ठीक है, यहाँ पर टीबी लिखिएगा आप, ठीक है। 0 and 1 कॉल्ड बिट, बाइनरी डिजिट बोलेंगे इसे, पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट फिल कर देंगे, और यहाँ पे 1 TB फिल करेंगे आप। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, तो ये देखिए इज अ टेम्पररी मेमोरी, तो यहाँ रैम हो जाएगा, ठीक है। और ALU एंड CU आर द कंपोनेंट ऑफ CPU, ये हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये यहाँ पे कर लेंगे आप। इस तरीके से आप ये पूरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए ये सब दिया हुआ है, 1024 MB इज इक्वल टू 1 KB, ये बिल्कुल सही है। 1.2 आर नोन एज बाइनरी डिजिट, तो ये फॉल्स होगा। इस तरह से करके आप खुद से करिएगा। रैम इज अ परमानेंट, तो मैंने बताया कि परमानेंट तो होता ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइसेज आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस को सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहा जाता है, ठीक है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। और ACU इन अ CPU दिया हुआ है, ACU इन अ CPU डज ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस, तो ये कैलकुलेशंस का काम नहीं करता है। CU यानी कंट्रोल यूनिट की बात कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन से संबंधित काम नहीं करता है, तो फॉल्स हो जाएगा। CPU चिप इज फिटेड इन ऑन मदरबोर्ड, तो ये सही है, ठीक है। लैपटॉप कैन फिट, आप पॉकेट में तो नहीं रख सकते लैपटॉप को, तो ये फॉल्स होगा। तो इस तरीके से करके इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करिएगा और मुझे करके जरूर दिखाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।